नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल। छोटे और बड़े पर्दे के मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज निधन हो गया। उनकी उम्र महज 40 साल थी। जब से ये खबर आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह हार्ट अटैक है, तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार हार्ट अटैक से इतनी मौतें क्यों होती है और इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी क्या है। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। सिद्धार्थ की मौत की खबर भले ही सबको हिला दिया हो, लेकिन अब भी लोगों को इसका विश्वास नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से ही तमाम बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों ने शोक व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाएँ ली थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। अक्सर तमाम डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट यह सलाह देते हैं कि आपको अपने हृदय को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसकी मदद से आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं से अपना बचाव कर सकते हैं। दिल संबंधित बीमारियों को नज़रअंदाज करना आपकी मौत का कारण बन सकता है। दुनिया भर में होने वाली मौत में सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2016 में करीब 1,89,00,000 लोगों की मौत कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की वजह से हुई, जबकि 85% लोगों की मौत की वजह सिर्फ हार्ट अटैक थी। यही कारण है कि हार्ट अटैक को काफ़ी गंभीर समस्या माना जाता है। WHO के मुताबिक जिन देशों की आय कम है और मध्यम है, उन देशों में दिल की बीमारियों के मरीज सबसे ज़्यादा हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों की मौजूदगी है जो हार्ट अटैक की समस्या का शिकार है। वहीं दुनिया भर में होने वाली हर चौथी मौत का कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ माना गया है। इसलिए एक्सपर्ट की राय है कि आप हमेशा अपने दिल को स्वस्थ रखें और उसकी नियमित रूप से जांच करवाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हार्ट अटैक से जुड़ी वजहों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं, इसकी जानकारी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है। हार्ट अटैक के प्रेजेंटेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल, जैसा कि हम सबको पता होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट या लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में पेन होता है, जो कि आपकी लेफ्ट आर्म में जा सकता है, बैक में रेडिएट कर सकता है या नेक में रेडिएट कर सकता है। एटिपिकल मीन्स पेन आपके राइट साइड ऑफ द चेस्ट में भी हो सकता है, शोल्डर में भी पेन हो सकता है, दोनों बाजुओं में एक साथ पेन हो सकता है, आपको चेस्ट एंड बैक पेन हो सकता है, सिंपली चोकिंग सेंसेशन हो सकता है आपकी नेक में। कई लोगों के साथ ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि हार्ट अटैक के लक्षणों की उन्हें पहचान नहीं होती, जिसकी वजह से वो समय पर इलाज नहीं करवा पाते और इसके कारण उनकी मौत हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में जानकारी लें। आइए सुनते हैं कि हार्ट स्पेशलिस्ट क्या बताते हैं। आपको जॉ पेन हो सकता है या आप सिंपली फेंट या कोलैप्स कर सकते हैं। पेशेंट को एक साथ बहुत घबराहट या स्वेटिंग हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स अकेले भी आ सकते हैं या कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जो गोल्डन रूल होता है डायग्नोस करने का, कि सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर वो होते हैं जो आपकी किसी भी बीमारी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जितना जरूरी हार्ट अटैक को समझना है, उतना ही जरूरी है कि आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं से कैसे खुद का बचाव कर सकते हैं, जबकि हार्ट अटैक से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्या है आसान तरीके जिससे आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज। इसके अलावा स्मोकिंग स्पेशली यंग पेशेंट में काफी कॉमन होता है, हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज स्पेशली यंग एज में, किडनी डिजीज। ये अगर फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हार्ट डिजीज होने की बढ़ जाती है। गोल्डन रूल जो होता है कि अगर पेशेंट सिंपल एनाल्जेसिक्स को या एंटासिड्स को या सॉर्बिट्रेट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप जाएं और एक ECG कराएं और एक ब्लड मार्कर होता है जिसे ट्रोपिनिन कहते हैं। ये 100% सेंसिटिव तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये निगेटिव होते हैं तो हार्ट अटैक होने की प्रॉबिलिटी कम हो जाती है। दिल की बीमारी कितनी गंभीर है यह तो आप समझ ही गए होंगे। अब बस आपको अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए बेहतर तरीके से उसका ख्याल रखना है और नियमित रूप से दिल की जांच करानी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।